Hello student, this is the second part. Today we discuss about the solar system. तो आज हम solar system के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा इस picture में, first हमारा जो पहले चार planets हमें दिए गए हैं, फिर बाद के हमें चार planets दिए गए हैं. जो पहले जो चार planets हैं जिनमें Mercury, Venus, Earth और Mars आता है, इनको हम inner planets के नाम से जानते हैं. और बाद के जो हमारे planets हैं इनको हम outer प्लैनेट्स के नाम पे जानते हैं, जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है. बीच में एस्टेरॉइड्स की एक बेल्ट है, यानी यहाँ पर कई सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो द लैटिन वर्ड सोल मीन्स सन एंड द सिस्टम रिफर्स टू इट्स फैमिली. यानी जो सोलर सिस्टम, यानी जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है. सोल, सोल का अर्थ होता है सन और सिस्टम का मतलब होता है इसकी फैमिली. तो सन और इसके परिवार को ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द सोलर सिस्टम इज़ द फैमिली ऑफ द सन. जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य का परिवार, अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो सोलर सिस्टम को सूर्य का परिवार कहा जाएगा. इट कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द एट प्लैनेट्स. इसके अंदर सूर्य और जो आठ इसके अंदर जो सूर्य है और इसके जो आठ ग्रह हैं, साथ ही सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ये सभी जो है वो पाए जाएंगे सोलर सिस्टम के अंतर्गत. यानी जितने भी, हमारा जो सूर्य है वो भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, हमारे जो आठों ग्रह हैं वो भी सोलर सिस्टम के हिस्से हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं हर एक प्लैनेट के वो भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, तमाम एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स, कॉमेट्स, ये सभी हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं. अगला जो हमें टॉपिक दिया गया है वो है सन. द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित है. इट इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर है. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन होल्ड्स द अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन प्लेस. यानी सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ही तमाम जो दूसरे ग्रह हैं वो अपने स्थान पर बने हुए रहते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं या रोटेशन करते हैं. इसके बाद आता है द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस. यानी कि सूर्य की जो सतह है, ऊपरी सतह, उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है. आपको पता है सूर्य की जो ऊपरी सतह होती है, जो सरफेस होती है, उसको कोरोना कहा जाता है. वाइल एट द सेंटर ऑफ द सन इट इज़ अबाउट 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस. यू मीन इट इज़ 50,000,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास. यानी सूर्य के केंद्र में लगभग 15,000,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, जबकि सतह पर यह तापमान कम होता है. तो बीइंग मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द प्लैनेट्स. यानी कि ये अत्यधिक एक्सट्रीम हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है. हाइड्रोजन जिसमें प्रमुख रूप से है, हीट और लाइट का ये प्रमुख स्रोत है हमारे सभी प्लैनेट्स के लिए और सैटेलाइट्स के लिए. However, due to the distance of the Earth from the Sun, that is 150,000,000 किलोमीटर. यानी पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 150,000,000 किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है. We do not feel the tremendous heat of the Sun. इस कारण हमें सूर्य की जो अत्यधिक गर्मी है वो नहीं मिलती है. Light from the Sun takes about 8 minutes to reach Earth surface. यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट का समय फिर भी लग जाता है. यानी हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दूरी जो है वो व्याप्त है. अब इसके बाद प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे. द प्लैनेट वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेट्स विच मीन्स वेंडरर्स. यानी कि जो प्लैनेट शब्द है, अब ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्लैनेट्स, और जिसका अर्थ होता है वेंडर. वेंडर यानी घुमंतु, घूमने वाला. अब हमारे ग्रह क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते ही रहते हैं, इसलिए उनको वेंडर कहा गया है.
देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर एज फॉलो, यानी कि सूर्य से दूरी के आधार पर इनको मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून में बांटा गया है, बांटा नहीं इनको श्रेणीगत किया गया है, इनको अरेंज किया गया है। द प्लैनेट्स क्लोज टू द सन आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, जैसा मैंने बताया कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसके अंदर या जो सूर्य के पास में जो ग्रह हैं उनको इनर प्लैनेट्स कहा गया है। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इन सभी को, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये सभी रॉक्स यानी चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं और इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इन प्लैनेट्स पर ज़मीन पाई जाती है, अर्थ पाई जाती है, लिथोस्फेयर पाई जाती है। द रेस्ट 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून्स आर आउटर प्लैनेट, और बाकी के जो 4 प्लैनेट हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट के राइट साइड पर पाए जाते हैं, ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड आर ऑल्सो कॉल्ड गैस जायंट, ये सभी गैसेस से मिलकर बने हुए होते हैं और ये बहुत बड़े गैस जायंट होते हैं, यानी यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल या जो ज़मीन है, लिथोस्फीयर है, उसका अभी तक संभावना नहीं मिली है, यानी ये गैस से मिलकर बने हुए हैं। ऑल दीज प्लैनेट डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, यानी जितने भी प्लैनेट हैं उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है, खुद की कोई हीट नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। दे रिसॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड अलोंग पाथ कॉल्ड ऑर्बिटर्स, ये सभी जो प्लैनेट्स हैं वो एक निश्चित पाथ पर, एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। वाइल रिवॉल्विंग यानी घूर्णन के दौरान, परिक्रमा के दौरान द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस, जो प्लैनेट हैं वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, घूर्णन करते हैं। एवरी प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम टेक्स इट्स रिस्पेक्टिव टाइम टू रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, हर एक जो ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए और रोटेशन करने के लिए एक निश्चित समय लेता है। टू ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, सभी प्लैनेट गोलाकार आकार में होते हैं। हाउएवर दे हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स, उनके कुछ खास गुण भी होते हैं, जैसे कि कुछ यूनिक फीचर अगर हम बात करें इनर प्लैनेट्स की, तो जैसे हमें मर्करी दिया गया है, इसका यूनिक फीचर है कि ये स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी सन, यानी ये सूर्य के पास सबसे निकटतम ग्रह है और सभी ग्रहों से सबसे छोटा है। इसके बाद आती है बात वीनस की, तो ये सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट है, इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। फिर इसके बाद ब्लू प्लैनेट यानी जो हमारा अर्थ है, इस पर ही हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो जो लाइफ है वो केवल अर्थ पर ही मौजूद है। फिर इसके बाद अगले जो यूनिक फीचर्स हैं वो मार्स के हैं, यानी कि ये एक रेड प्लैनेट है। इसके बाद जो अगले फीचर्स हैं वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के हैं, जैसे कि जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और यहीं पर जो है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट भी पाया जाता है, गैनीमीड, जो जुपिटर में ही है। इसके बाद सैटर्न, तो प्लैनेट विद द लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स अराउंड इट, सैटर्न में सबसे ज़्यादा जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग बनी हुई है। इसके बाद यूरेनस, ये एक बहुत बड़ा आइस जाइंट है, आइस जाइंट यानी बर्फ से बना हुआ ग्रह। नेपच्यून फर्दरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी ये जो ग्रह है वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब इसके थर्ड पार्ट में हम अर्थ एंड सैटेलाइट्स को जानेंगे।